हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम वेल्डिंग थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एनएमडीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए था मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अलॉय स्टील को वेल्ड करने के लिए कौन सी फ्लेम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन बी है कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का, न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ किया जाता है स्टील की वेल्डिंग के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, सेंटर पंच में बिंदु का कोण कितना होता है? ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 120 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजिंग क्रिया किस तापमान में पूरी की जाती है? ऑप्शन ए है 120 डिग्री सेल्सियस से कम, ऑप्शन बी है 200 से 450 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 420 से 850 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 420 से 850 डिग्री सेल्सियस के बीच में यह क्रिया पूरी होती है। निम्न में से कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स है? ऑप्शन ए है रेजिन, ऑप्शन बी है अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी है नमक का तेजाब, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यह सभी सोल्डरिंग के फ्लक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर वेल्डिंग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी है गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी है फोर्ज वेल्डिंग, ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्ज वेल्डिंग को ही हैमर वेल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतरनी से कितनी मोटी चादर काटी जाती है? ऑप्शन ए 0.8 mm, ऑप्शन बी 1.2 mm, ऑप्शन सी 2 mm, ऑप्शन डी 5 mm। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.2 mm तक मोटी चादर काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड में मध्यम पिच कितना होता है? ऑप्शन ए 0.5 mm, ऑप्शन बी है 1 से 1.4 mm, ऑप्शन सी है 2 से 3 mm, ऑप्शन डी 0.5 से 1 mm। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 1.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्लाइडिंग पार्ट के बीच घर्षण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वीटिंग, ऑप्शन बी इंपैक्ट, ऑप्शन सी एब्रेजन, ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एब्रेजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटलाइजिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पिघली धातु को स्प्रे करना, ऑप्शन बी पिघली धातु को कोटिंग करना, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व है? ऑप्शन ए वेल्डिंग करंट, ऑप्शन बी करंट पास करने की अवधि, ऑप्शन सी इलेक्ट्रो टिप का आकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक वेल्डिंग में आर्क के स्थिर नहीं है, इसका कारण है? ऑप्शन ए जोड़ तंग है, ऑप्शन बी संदूषित इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी बेस मेटल गंदा है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गन गैस वायु से भारी होती है, जिसका कारण यह डैश डैश। ऑप्शन ए तेज गति है, ऑप्शन बी
कम प्रभाव दर से अच्छी स्लीडिंग प्रदान करती है? ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 7 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी 5 मीटर क्यूब, ऑप्शन डी 4 मीटर क्यूब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 मीटर क्यूब ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की प्रारंभिक खोज किस देश में हुई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस में हुई थी इसकी प्रारंभिक खोज। थर्मिक वेल्डिंग के क्या लाभ है? ऑप्शन ए कठोर व मजबूत जोड़, ऑप्शन बी सस्ती ऊर्जा शक्ति, ऑप्शन सी अधिक गहरा पेनिटेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हार्डनेस को बढ़ाना, ऑप्शन बी भंगुरता को कम करना और तन्यता को बढ़ाना, ऑप्शन सी स्टील के अंदरूनी खींचा हुआ स्ट्रेंथ से मुक्त करना, ऑप्शन डी स्प्रिंग का सामान्यकरण करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टील के अंदरूनी खींचा हुआ स्ट्रेंथ को मुक्त करना, स्ट्रेंथ से मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 में उपयुक्त वायर है? ऑप्शन ए ठोस वायर, ऑप्शन बी खोखली वायर, ऑप्शन सी फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड वायर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु की वेल्डिंग के लिए प्रीहीटिंग की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी मीडियम कार्बन स्टील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीडियम कार्बन स्टील में प्रीहीटिंग की आवश्यकता नहीं होती। सिल्वर कलर कोड के इलेक्ट्रोड धातु वेल्ड करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? इस ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील के लिए, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी निकिल बेस के लिए, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्स कोटिंग में RR का अर्थ है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी एसिड, ऑप्शन सी रूटाइल, ऑप्शन डी रूटाइल हैवी कोटेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूटाइल हैवी कोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वर्ल्ड वेल्डिंग में फिलर राड को किस डिग्री पर रखा जाता है? ऑप्शन ए 50 से 55 डिग्री, ऑप्शन बी 30 से 40 डिग्री, ऑप्शन सी 15 से 25 डिग्री, ऑप्शन डी 45 से 50 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 से 40 डिग्री पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में स्लग इंक्लूजन का दोष होता है? ऑप्शन ए है फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, ऑप्शन बी वेल्ड मेटल को वेल्ड करने से पहले स्थापना करना, ऑप्शन सी धातु का शीघ्र ठंडा होकर जम जाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।